अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नए एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको न्यूट्रन फैक्ट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक फ्रूट को सिलेक्ट किया है, और दोस्तों एक एक्जॉटिक ट्रॉपिकल फ्रूट के अंदर आता है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को हाला फ्रूट के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों हाला फ्रूट को इसके अलावा पेंडनस टेक्टोरियस भी बोला जाता है, और दोस्तों नेटिव तौर पर ये मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया के जो इस्तवाई इलाके वहाँ पे और शनिया में और साउथ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा काश किया जाता है। दोस्तों बेसिकली अनानास की ही एक किस्म होती है, उससे मिलता जुलता फल होता है। और दोस्तों इसके अलावा इसे थैस स्क्रू पाइन भी बोला जाता है, और दोस्तों जायके के अंदर बहुत ही यूनिक इसका टेस्ट होता है, माइल्ड स्वीट होता है। दोस्तों अनानास और खट्टल से मिलता जुलता इसका जायका होता है, थोड़ा सा मैंगो फ्लेवर भी फील होता है। दोस्तों हाला फ्रूट का एक खास किस्म का यूनिक ट्रॉपिकल फ्रूट फ्लेवर होता है। चले दोस्तों ये तो थे हाला फ्रूट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, अब बात कर लेते हैं इसके न्यूट्रन फैक्ट्स के हवाले से। और दोस्तों इसके अंदर फाइबर पाया जाता है, हाई मकदार के अंदर कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। चले दोस्तों ये तो थे हाला फ्रूट के न्यूट्रन फैक्ट्स, अब बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से भी इसके क्या रिजल्ट्स हैं। दोस्तों ऐसे अफराद जो मुनासिब मकदार में हाला फ्रूट को डेली खाते हैं, उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। दोस्तों क्योंकि ये कैल्शियम रिच फ्रूट है, तो इस वजह से इसे खाने से दांतों के मसाइल भी दूर हो जाते हैं, दांत मजबूत होते हैं। और दोस्तों ये कुव्वत मुदाफ़िया में इजाफा करता है, जिससे में इसे सोजिश को ख़त्म करता है, कोई गिल्टी कोई ट्यूमर भर रहा है उसे ख़त्म करते हैं। और दोस्तों कैंसर से बचाता है, अगर कैंसर अगर आपको हो गया तो कैंसर के खिलाफ जो है मजबूत कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है, बेहतरीन एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है। और दोस्तों खाने के साथ थोड़ा सा मुनासिब इस्तेमाल करने से खाने को हज़म करता है, डाइजेशन के लिए बेहतरीन है। दोस्तों क्योंकि फाइबर रिच फ्रूट है, इसके खाने से कब्ज़ भी दूर हो जाती है। और दोस्तों जिस्म को क्विक एनर्जी और ताकत देता है, और दोस्तों जिस्म के अंदर जो कड़लियाँ पड़ती हैं, जो मसल स्ट्रेन होते हैं, उसे भी दूर करता है। इसके अलावा दोस्तों दिल के बहुत सारे मसाइल का हल इसके अंदर है, शरीरों के अंदर खून की रवानी को बेहतर बनाता है। और दोस्तों ऐसे अफराद जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, वो अपनी खुराक के अंदर हाला फ्रूट को शामिल कर लें। दोस्तों चंद दिन के इस्तेमाल करने के बाद आपकी फालतू चर्बी जिस्म से कम हो जाएगी और आप स्लिम और स्मार्ट हो जाएंगे, वेट लॉस के लिए बेहतरीन है। दोस्तों इसके अलावा इसे खाने से मूड भी अच्छा होता है। और दोस्तों अगर ज़हनी दबाव उलझनों की वजह से सर में दर्द है, तो इसे खाने से ये मसला भी हल हो जाता है, ये मूड को अच्छा करता है। दोस्तों हाला फ्रूट पेंडनस टेक्टोरियस आपको पाकिस्तान इंडिया के अंदर बड़े फ्रूट मंडियों में आसानी के साथ मिल जाएगा, इंडिया में साउथ इंडिया के अंदर आपको इजीली ये अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों ये टिन फॉर्म में भी आता है, जैसे पाइनएप्पल आता है, इसी तरह हाला फ्रूट जो है टिन फॉर्म के अंदर भी आता है, तो आपको बड़े शॉपिंग मॉल के ग्रोसरी सेक्शन में से आसानी से ये मिल जाएगा। चले दोस्तों ये तो थे हाला फ्रूट यानी पेंडनस टेक्टोरियस के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, न्यूट्रन फैक्ट्स, बेनिफिट्स, अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के हवाले से। और दोस्तों अक्सर लोगों को हाला फ्रूट खाने से एलर्जी होती है, तो ऐसे अफराद हाला फ्रूट को खाने से अवॉइड करें, और इसे मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये फाइबर रिच फ्रूट है। तो ऐसे अफराद जिन्हें फाइबर इंटॉलरेंट है, तो उनके अंदर उनका पेट खराब हो सकता है, उन्हें लूज मोशन लग सकते हैं, डायरिया हो सकता है। दोस्तों ऐसी खवातीन भी इसे खाने से परहेज करें जो प्रेग्नेंट है या बच्चों को दूध पिलाती हैं। और दोस्तों मिजाज के अंदर गर्म होने की वजह से इसे ज़्यादा खाने से प्रेग्नेंट वुमन की डीएनसीज हो सकती हैं, का मिसकैरेज हो सकता है, तो ऐसी खवातीन एहतियात करें। चले दोस्तों ये तो थे हाला फ्रूट यानी पेंडनस टेक्टोरियस के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स, न्यूट्रन फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हाला फ्रूट के हवाले से वीडियो पसंद आई होगी। अगर मजीद आपका कोई सवाल है हाला फ्रूट के हवाले से, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा, और मैं आपके लिए फर्दर आपको गाइडलाइन भी दे दूंगा। और दोस्तों इसके अलावा आप किसी और वेजिटेबल्स, फ्रूट, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, कोई किचन टिप लेना चाहते हैं, या दोस्तों किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा, और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी मिक्स मालूमती वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो उनके लिए मेरे वीडियो सेक्शन में जाके मेरी दूसरी वीडियोज भी दे सकते हैं। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, मुझे जोली अजीम को इजाजत दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।